हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मोनिकास वर्ल्ड में मैं मोनिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ समय पहले मैं अपने एक रिलेटिव से फ़ोन पर बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग का चैनल है, तुम हमेशा पब्लिक स्पीकिंग पर बात करती हो, मंच पर बोलने की बात करती हो। हर कोई तो मंच पर नहीं बोलता है, आखिर क्यों ज़रूरी है मंच पर बोलना? ऐसा क्या हासिल हो जाता है मंच पर बोलने से? मैंने उन्हें जो बताया, मैं चाहती हूँ कि आपको भी वो सारी बातें बताऊँ कि आखिर मंच पर बोलना क्यों ज़रूरी है, मंच पर बोलना आने से क्या होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंच पर बोलना आना, पब्लिक स्पीकिंग, भीड़ में अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना आना, स्टेज पर बिना डरे अपनी बात को कहना, ये एक ऐसा आर्ट है जो आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाता है। इस आर्ट के जरिए आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को स्टेज पर रखते हैं, यदि स्टेज के डर पर आपने काबू पा लिया, तो जीवन के हर डर पर आपने काबू पा लिया। आप जब अपने करियर को चुनते हैं, तो उस करियर को चुनने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है पब्लिक स्पीकिंग से। यदि आप स्टेज पर बोलते हैं, तो आप में वो कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं किसी के भी सामने, और ये आत्मविश्वास हर करियर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो हाउसवाइफ हैं, हमें बोलना सीखने से क्या मतलब। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो ऑलरेडी अपने करियर में बहुत अच्छी जगह पर हैं, हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी जगह पर हो, लेकिन यदि आपको बोलने की कला आती है, यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, यदि आप में वो आत्मविश्वास है, तो आप हर जगह अपनी एक पहचान बनाते हैं। आप दोस्तों के बीच में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। आप किसी से भी बात करते हैं, तो आपके बात करने का अंदाज बहुत अलग होता है, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग के हुनर को जानते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कोई गॉड गिफ्ट चीज़ नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में है तो बस उन्हीं को आती है। पब्लिक स्पीकिंग हर कोई सीख सकता है, बस आत्मविश्वास की ज़रूरत है, थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, यदि आप लोगों के बीच बात करना शुरू करते हैं और जब भी मौका मिलता है स्टेज पर जाते हैं, अपने डर को दूर करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी पूरी पर्सनालिटी में चेंज हो जाएगा। आप जब स्टेज पर बोलना शुरू करेंगे, तो आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। ये आप आजमा कर देखिए, आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक दुकानदार है, वो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है। वो अपने कस्टमर को, जब वो उसके पास आते हैं उसकी शॉप में, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देता है। वो अपने कस्टमर को इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर लेता है कि वो वहाँ से उस प्रोडक्ट को ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक दूसरा दुकानदार है, वो इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। जब उसके पास कस्टमर आते हैं, तो वो अपनी बात को खुलकर रख नहीं पाता, प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाता, तो ऐसे में कोई भी वहाँ से ख़रीदने में संकोच करता है। आप जब दोनों दुकानदार को कंपेयर करते हैं, तो ये पता लगता है कि जो दुकानदार बहुत अच्छा स्पीकर है, उसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती। आपने कुछ वुमेंस क्लब और कुछ किटी पार्टी भी ज्वाइन की है, लेकिन वहाँ पर भी आप लोगों से ठीक से बात नहीं करती, या बात करती भी है तो नेगेटिव बात करती है। ऐसे में लोग आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते। कल्पना कीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का हुनर आता है, आपको ये पता है कि किससे कब कैसे बात करनी है, और आप भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाती है, आप पूरे वुमेन ग्रुप में अपनी एक अलग छाप छोड़ती हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी हो जाती है, क्योंकि आप पूरे ग्रुप को लीड करने लगती है, क्योंकि आपको बोलना आता है, आपको अपने ग्रुप को लीड करना आता है।
तो आप तो मानते हैं ना कि हाउसवाइफ भी हो तो भी पब्लिक स्पीकिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई आपने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन लास्ट राउंड होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। साक्षात्कार में आपकी बुद्धि के साथ साथ टेस्ट किया जाता है आपके आत्मविश्वास का। आपने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बात को कहने का, तो वो सारी बातें बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर भी पब्लिक स्पीकिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट आप बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप स्टेज पर जाकर सिंगिंग करें या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाएं, परफॉर्मेंस दें, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। स्टेज पर जाकर आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म करना, सिंगिंग करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, इन सारी चीज़ों के लिए भी स्टेज के डर को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि पब्लिक स्पीकिंग हमें आना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि स्टेज के डर पर काबू पा लिया, तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी में सफलता पा ली, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि अब से आप पब्लिक स्पीकिंग के हुनर को सीखेंगे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और स्टेज के डर पर काबू पाएंगे। यदि आप ये करते हैं तो 100% अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यहाँ देखिए, मेरा चैनल देखते तो इतने लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप यदि सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल सही राह पर चल रही हूँ। आपको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हाँ, आपके सब्सक्राइब करने से मेरी खुशी और मेरा आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरा चैनल देखते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं मेरे चैनल को लेकर, या फिर किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मेरे ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।